मान लीजिए मैं यहाँ पे नेम रोल एंड मार्क्स हेलो। हाँ हेलो। जी, वो क्या बस अभी कर रहा हूँ है? हाँ जी, ठीक इसलिए। है। लोकेशन देख के आ जाइए। आप लोग की बैकग्राउंड शोर आ रहा था इसलिए मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया है। कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कर लीजिए। ये हमारे पास डेटा है, इसमें हम फॉर्मूला डाल देते हैं। हमने इसमें रैंड बिटवीन का फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। रैंड बिटवीन का फॉर्मूला क्या करता है, रैंडम नंबर देता है। जैसे ओटीपी होता है ना, उस तरह से एक रैंडम नंबर शो करता है, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शो किया हुआ, और हर बार अपने आप को चेंज करता है। अब बात करते हैं कॉपी एंड पेस्ट की। अगर हम कॉपी करते हैं, मान लीजिए डेटा को कॉपी करते हैं, तो क्या होता है कि जैसा डेटा है वैसा कॉपी पेस्ट होता है। जैसे कि मैंने अपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया और यहां से कंट्रोल सी, और जहां पेस्ट करना वहां कंट्रोल वी करते हैं। तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी क्या करता है, जैसा डेटा है सेम उसी तरह से कॉपी पेस्ट करता है। ठीक है, तो जैसा डेटा है सेम उसी तरह का कॉपी पेस्ट करेगा। लेकिन ये तो जो ठीक है, लेकिन एक हमारे पास पेस्ट स्पेशल है। पेस्ट स्पेशल क्या करता है, पेस्ट स्पेशल करता है कि आपको मतलब कि ये अलग से अथॉरिटी देता है कि आप जो है किस तरीके से कॉपी एंड पेस्ट कर सके। मैं पेस्ट में कि पूरा का पूरा पार्ट में उसमें से थोड़ा बहुत पार्ट्स को पेस्ट कर सके, तो ये काम करता है आपका पेस्ट। ठीक है, पेस्ट स्पेशल। जैसे मैंने फॉर्मूला किया, सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट होगा। तो फॉर्मूला पेस्ट हुआ इसका मतलब नहीं है कि, अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर ये नेम में तो कोई फॉर्मूला नहीं था तो पेस्ट होगा। पेस्ट एज ए फॉर्मूला का मतलब हुआ जो फॉर्मूला बार में विजुअल है उसको पेस्ट करेगा और सारे फॉर्मेटिंग्स को रिमूव कर देगा। तो फॉर्मेटिंग्स को रिमूव करके हमको पेस्ट करेगा, राइट। पेस्ट एज ए फॉर्मूला। एक और होता है पेस्ट एज ए वैल्यू। वो क्या करता है कि फॉर्मूले को रिमूव करके सिर्फ कंटेंट को पेस्ट करता है। जैसे देखिए यहाँ पे इसने फॉर्मूला रिमूव कर दिया। तो किसी किसी डेटा पे मान लीजिए कि फॉर्मूला लगा हुआ है और आपको कहीं विदाउट फॉर्मूले पेस्ट करना है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर किसी लोकेशन की फॉर्मूले को रिमूव करना है, यहां देख रहे हैं इसकी जितने भी फॉर्मूले हैं इसको सबको रिमूव करना है कि फॉर्मूला हमारा रिमूव हो जाए, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए वैल्यू कर। ठीक है, तो इसी के ऊपर पेस्ट एज ए वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है। तो पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू समझ में आया। अब इस पेस्ट एज ए वैल्यू का आखिर में इस्तेमाल क्या होता है, चलिए तो इसके बारे में भी हम एक बार जिक्र करते हैं। तो आगे चल के जैसे मान लीजिए कोई रिपोर्ट आप बनाते हैं,
तो एक पर्टिकुलर आप जो है रिपोर्ट्स तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट्स को अगर मान लीजिए किसी को मेल करना है, तो जो आपने रिपोर्ट तैयार किया हुआ है वो किसी न किसी डेटा से लिंक हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे इसी को लेते तो यहां पे ये रिपोर्ट देख रहे हैं, इस रिपोर्ट में फॉर्मूला लगा हुआ है और एक फॉर्मूला किसी डेटा से लिंक है। अब मान लीजिए राहुल जी और पंकज जी अगर ये रिपोर्ट हम आपको भेजते हैं तो क्या होगा, ये रिपोर्ट आपके सिस्टम पे वर्क नहीं करेगा। वर्क कब करेगा, जब रिपोर्ट के साथ इसका डेटा भेजते हैं। लेकिन क्या होता है कि डेटा काफी लार्ज होता है और डेटा भेज पाना मुश्किल होता है। दूसरा कि अगर हम डेटा हमारा सिक्योर है इसको हम भेजना नहीं चाहते, समझ गए। तो दो इसमें प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम क्या है कि डेटा हमारा लार्ज है, हम डेटा को भेजना नहीं चाहते, और दूसरा कि अगर हम डेटा भेज देते हैं आपको, मान लीजिए अगर डेटा हम कल के डेट में आपको भेज देते हैं तो सिक्योरिटी है, इसलिए हम इसको भेजना मुश्किल है हमारे लिए। तो मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर शीट को भेजना है तो कैसे करेंगे, मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और करूंगा मूव एंड कॉपी, राइट क्लिक मूव एंड कॉपी, क्रिएट कॉपी पे क्लिक करूंगा और ऊपर न्यू बुक। हेलो जी, हाँ मैम, मैं आपको 15-20 मिनट कॉल करूं, मैं क्लास ले रहा था तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, मैं क्लास खत्म करके फोन करूं आपको। हाँ मैं आपको 15-20 मिनट फोन करता हूँ उसी नंबर पे, सॉरी। तो न्यू बुक में क्या होगा कि इसकी पूरी की पूरी कॉपी करके एक नई फाइल में आ जाएगा, नई फाइल में आ गया। लेकिन ऊपर देखिए इसने फॉर्मूला को रिमूव नहीं किया, फॉर्मूला जैसा का तैसा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसकी फॉर्मूले को रिमूव करवाना है, ठीक है, इसकी फॉर्मूले को रिमूव करवाना है। तो क्या एक एक करके कॉपी करके वैल्यू पेस्ट करें, क्योंकि फॉर्मूला रिमूव करने के लिए तो पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू है, तो क्या मैं एक एक करके फॉर्मूला को रिमूव करूं, तो एक एक करके फॉर्मूला रिमूव करने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे, हम यहां देखिए 1 और A के बीच में एक ट्रायंगल है, इस पर क्लिक करेंगे पूरा सीट आपका सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर कॉपी कीजिए और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और यहां पे पेस्ट एज ए वैल्यू, पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए वैल्यू एंड ओके। अब सारा फॉर्मूला रिमूव हो गया, अब फाइल सेव करके भेज दीजिए। राहुल जी एंड पंकज जी समझ में आया? हाँ जी सर। राहुल जी आपको समझ में आया जी? ये हो गया, अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं।
तो पेस्ट जो वैल्यू का इस्तेमाल होता है। अब चलिए पेस्ट जो वैल्यू के बाद आगे बढ़ते हैं, मैं फाइल क्लोज कर देता हूं थोड़ा सा। अब इसमें पेस्ट एज ए फॉर्मेट है, पेस्ट एज ए कमेंट्स है, ये चीजें भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, पेस्ट स्टेशन में छोटी मोटी चीजें हैं कि राइट क्लिक पेस्ट स्टेशन, यहाँ पे फॉर्मेट किया तो फॉर्मेटिंग होगा, कमेंट करेंगे तो कमेंट होगा। लेकिन एक चीज और होता है इसमें, क्या होता है, जैसे भी रिपोर्ट ही देखा था किस तरह से रो एंड कॉलम हम लोग किस तरह से फिक्स कर रखे थे, मतलब कि उसके साइज के अकॉर्डिंग अपने उसको फिक्स कर रखा था, ऑटो फिट कर रखा था, फिक्स कर रखा था, ताकि वो एक पेज पे और सही तरीके से व्यू हो। लेकिन क्या हुआ कि अगर आप कॉपी करके कहीं पेज करते हो तो उसकी कॉलम की विड्थ नहीं आती। नतीजा क्या हुआ, अभी तो मैंने मान लो कि हमने पूरी सीट को मूव कर लिया था, इस कारण से हमें उसकी सेटिंग ना करनी पड़ी। लेकिन जब जनरली हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो पूरा का पूरा कॉलम निकल जाता है, तो हर बार हर कॉलम की साइज को दोबारा से मुझे सेट करना पड़ता है। तो उस केस में पेस्ट स्पेशल के अंदर में आपके पास एक ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन होता है कॉलम विड्थ। तो इस कॉलम विड्थ को आप जो है सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए। ठीक है, कॉलम विड्थ। हेलो, सॉरी सर, मेरा ऑडियो प्लग निकल गया था। तो पेस्ट स्पेशल में अगर आप करते हैं कॉलम विड्थ तो कॉलम की विड्थ पेस्ट होगा। अब ध्यान रखिएगा कि अगर पेस्ट स्पेशल में सिर्फ आप कॉलम विड्थ करते हैं तो सिर्फ आपका कॉलम का विड्थ पेस्ट होगा, डेटा पेस्ट नहीं होगा। डेटा के लिए आपको दोबारा से पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोबारा से पेश करने के लिए क्या करेंगे आप? लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं पेस्ट दोनों एक साथ हो, तो पेस्ट स्पेशल करते समय आपको यहां पे ए मिलेगा पेस्ट एज ए, यहां पे कि पेस्ट कीप कॉलम विड्थ, पेस्ट कीप सोर्स कॉलम विड्थ माफ कीजिएगा, कीप सोर्स कॉलम विड्थ का एंड डब्ल्यू इसका शॉर्टकट है, उसको करेंगे तो डेटा एंड कॉलम विड्थ दोनों आएगा। हेलो सर, ये कौन से एमएस ऑफिस में, मेरे में तो ऑप्शन नहीं है सर, ये वाला मैं 2007 में नहीं है सर, ये नहीं 7 में नहीं है, 7 में आई थिंक नहीं है। ये सर कौन सा ऑफिस है आप जिस पे कमर वर्क कर रहे हो? लेटेस्ट है 16 है सर, ये मैंने नेट पे देखा था, बट नेट पे तो ये पैसे प्रीमियम में मांग रहा था तब मिलेगा, तो ये सर फ्री डाउनलोड नहीं कर सकते 2016? कहाँ रहते हो आप, रहते कहाँ पर हैं आप? मैंने सर नेट, मैं गुड़गांव में रहता हूँ सर। तो नैनो प्लेस से मंगवा, सिटी मंगवा लीजिए ना। अच्छा, तो उसमें क्या होता है सर? नैनो प्लस से डीवीडी मंगवा लीजिए, करेक्ट मिल जाएगा आपको। अच्छा, डीवीडी कितने की है सर 2016 की? 150 रुपए में देगा पायरेटेड। अच्छा ठीक है सर, मैं ले लूंगा सर। कंपनी लाइसेंस वर्जन कीजिएगा तो उसमें तो लगेगा आपको 15,000 रुपए। इसका क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पर मैं अगर क्या कहते हैं नेट से ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा तो मिल जाएगा क्या? नेट से ऑनलाइन तो आपको ये करना पड़ेगा, लाइसेंस वर्जन करना पड़ेगा ना, वो तो सर बहुत महंगा है सर, उसमें तो पैसे मांग रहे हैं बहुत ज्यादा। 15,000 रुपए का है। हाँ 5-10 हजार मांग रहे हैं सर उसमें तो।
ओके तो आगे बढ़े इसमें। हाँ जी अब चलिए, आपको ध्यान होगा कभी भी डेटा के ऊपर आपके डेट है आपका, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई डेट हमने लिख रखा है, ठीक है। अब मैं इस डेट को, जो डेट है हमारा, अब मुझे इस ये जो डेट है, इस डेट को मुझे करना है कॉपी पेस्ट। तो जब भी आप किसी डेट को कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या दिक्कत? नंबर आ जाते हैं सर, नंबर में चले जाता है वो। तो यहां पे देख करते हैं, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे बैक। तो माफ कीजिए, गलत हो गया, पूरा सिलेक्ट था। कॉपी किया, इस पे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे बैक हमने यहां पे वैल्यू ले लिया, तो ये नंबर्स में बदल जाते हैं। तो नंबर फाइल अब मुझे इस बात को जानना है कि आखिर में ये नंबर है क्या? क्या हमें इस बात को जानना है कि आखिर में ये नंबर है क्या? तो ये जो नंबर जो दिख रहा है ना सर, ये होता है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर कैलेंडर। जब से आपका कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक का नंबर ऑफ डेज है। अब इसको साबित कैसे करेंगे? मान लीजिए साबित करना हुआ तो इसको साबित करने के लिए मैं यहां पे वन डालता हूं, सिर्फ वन। अब इस वन को मैं कोई डेट फॉर्म में डाल देता हूं, तो दिख रहा है 1/1/1900, दिख रहा है 1/1/1900, 19 तो 1/1/1900 दिख रहा है। मतलब कि आपका कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट कब हुआ है? हुआ है 1/1/1900, 1/1/1900 में आपका कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर यहीं पे मैं मान लीजिए कि 367 डालता हूं तो देखिए ईयर चेंज हुआ। ऐसे में 42,979 डालता हूं तो क्या होगा? देखिए डेट। अब एक चीज को जानना है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, प्रोग्रामर ने ऐसा क्यों किया। देखिए एक्सेल का सिंपल सा एक फंडा है कि अगर किसी भी नंबर के साथ किसी तरह का टेक्स्ट है, अगर नंबर के साथ किसी तरह का टेक्स्ट है तो उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बाहर रखता है। अगर उस पे आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपका नहीं होगा, ठीक है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बाहर रखता है। तो अगर आप इस पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इक्वल करके अगर इस पे मान लीजिए कि मैं +20 करता हूं तो एरर आएगा। तो फिर डेट पे कैसे होता है कि अगर डेट का मान लीजिए 6 सितंबर है तो 6 सितंबर पे कैसे होगा? क्योंकि ये विजुअल आपका डेट है लेकिन एक्चुअल में ये नंबर ही है। अगर एक्चुअल की बात करूं तो एक्चुअल में जो है ये नंबर है। क्या हो गया है? तो जो कैलकुलेशन हुई है 42,984।
ठीक है। समझे सर? तो जब पेस्ट जो वैल्यू करते हैं तो क्या होता है, रिमूव ऑल फॉर्मेट, तो फॉर्मेटिंग रिमूव कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी फॉर्मेटिंग रिमूव ना हो, जैसा मैं फॉर्मेट वैसा रहे, तो कॉपी करते समय आप पेस्ट एज ए वैल्यू करते होंगे, तो पेस्ट एज ए वैल्यू ना करके इस पे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट करें। ठीक है। क्लियर सर? तो देखिए, तो ये सारे जो फॉर्मेटिंग होते हैं नंबर फॉर्मेटिंग, और नंबर फॉर्मेटिंग जो भी नंबर फॉर्मेटिंग है वो सारे नंबर फॉर्मेटिंग जो भी है वो सारे नंबर फॉर्मेटिंग हमारा आता है, चाहे डेट का हो, टाइम का हो, एंड आपका क्या बोलते हैं नंबर फॉर्मेटिंग, जैसे डेसिमल्स और बाकी चीजें हैं, उस वैसे चीजें हैं, तो उन चीजों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। समझ गए सर? सुनाया सर कुछ आपको? पंकज जी कोई डाउट है इसमें? नहीं सही सर, डेट को अगर एज ए वैल्यू करना हो, डेट चाहिए हो, नंबर ना चाहिए हो, तो इस तरीके से करना जैसे आपने किया है ना। हाँ, फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग की रखना है, मतलब कि नंबर की जो फॉर्मेटिंग रखना हो उसके लिए। अब चलिए जो कुछ और कैलकुलेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे मान लीजिए 25 है। अगर मैं 25 को 20 पे पेस करता हूं तो क्या करेगा? 25 20 को रिप्लेस कर देगा, राइट? लेकिन अगर मैं कॉपी करूं और इस पे राइट क्लिक करूं, पेस्ट स्पेशल, और इस पे हम क्या करें, यहां वैल्यू में ऐड कर देते हैं, ये क्या करेगा कि 20 को 25 से रिप्लेस ना करके इसमें प्लस करें। समझे? हाँ जी अब इसका बेनिफिट क्या है सर? तो एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूं। एक जो बेनिफिट है मैं आपको बताता हूं, ठीक है?
मैं ऑफिस में कहा था कि एक एक हमारे कलीग थे वो मुझे एक डेटा भेजा करते थे, तो डेटा उनका परसेंटेज में हुआ करता था, लेकिन वो नंबर ऑफ ऑप्शन भेजते थे और हेडिंग परसेंटेज डाल देते थे इस तरीके से, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता था कि मुझे इसको अपनी कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल करना होता, समझे? इसको मुझे अपने कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम क्या था कि मुझे यहां पे 63% चाहिए, तो मुझे एक एक सेल में जाके इस तरह का परसेंटेज डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहां पे 20 लिखता हूं और इसमें परसेंटेज का सिंबल डालता हूं तो 20% होगा। अगर मैं 20 लिख के इसके ऊपर परसेंटेज डाल दिया तो क्या होगा? 2000% हो जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर देता है ना। यस सर, मतलब कि मुझे यहाँ पे 0.20 करेंगे, फिर इसके ऊपर परसेंटेज डालेंगे 200। तो ये सबको डेसिमल से कन्वर्ट करना और सबको ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने कि 100 कहीं एक अलग सेल पे लिखा और फिर 100% हो गया, 100 कहीं लिखा और फिर इस 100 को कॉपी किया और पूरे सेल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इसमें डिवाइड कर दिया। तो 100 से सबको डिवाइड कर दिया और सारे के सारे जितने भी है परसेंटेज में आ गए। ठीक है, और फिर इससे परसेंटेज अप्लाई कर दीजिए। एक यूज तो मैं इसको करता हूं, तो अब आप लोग इस पर रिसर्च करें और मुझके इससे कम से कम 10 यूज बताया जो कि आप ऑफिस में यूज करते हैं। क्या सर? हो पाएगा राहुल जी, पंकज जी? हाँ सर, इसको मेनली जब हम समरी बनाते हैं तो वहां पर हम डिवाइड बाय जो भी है मुझे पांच एग्जांपल शूट करके उसके एक डॉक्यूमेंट बना के भेज कीजिए। अगर एग्जांपल सुटेबल हुए तो मैं आगे चल के अपने इस पे कोर्स में इसको इंक्लूड कर लूंगा मैं, ठीक है। मतलब हम इसे कहां का यूज हम इसको पांच से मैं यूज कर सकते हैं। एक तो एग्जांपल मैंने बताया कि मेरे पास डेटा परसेंटेज में आया
नहीं था तो उसको परसेंटेज में हमने कन्वर्ट कर लिया, एक आसान तरीका था। हाँ जी, और अब बाकी जो है ऐसे ही आप पांच तरीके और बताया। मतलब कि जहां पर हम अपने रिपोर्ट में इस चीज का यूज कर रहे हो परसेंटेज का। हाँ सर, मैं अपनी रिपोर्ट में यूज तो कर रहा हूँ, बट उसमें मैं ऐड का यूज कर रहा हूँ। मतलब डेटा आता है और मुझे वापस पहले जो पड़ा हुआ है प्लस और ऐड करके, जो आपने ऐड का फंक्शन बताया उसे तो हम यूज करते हैं सर। वो तो समझ ये परसेंटेज का आप, हाँ चलो मैं देख लूंगा अगर इसका कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ठीक है सर। ओके सर। सर सर वो अपने जो रिकॉर्डिंग भेजा ना पहले वाली दो क्लासेस की। ठीक है अपलोडिंग हो रही है सर।